Coming students, today we will continue methods or devices of financial analysis. First is comparative statement. Comparative means to compare the financial statement of 1 year with the previous year. Means ki apa financial statement analysis de vich kita si ke apa ik year di ki karde ha balance sheet nu ya positional statements nu last year diyan statements nal ki karde ha comparison karde ha kis cheez de layi taan ke jinne vi variances aaye ne changes aaye ne apan nu ki kar sakiye correct kar sakiye. दैन फस्ट कंपैरेटिव बैलेंस शीट आप कर चुके से. कंपैरेटिव बैलेंस शीट किस चीज़ के लिए होंगी? अपनी फाइनैशियल पोजिशन पता लग जाती, अपने प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाती एक कंसर्न की किस तरह, क्योंकि आप देखो करंट ईयर लास्ट ईयर की कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं. आफ्टर कंपैरिजन आप एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं भी अपनी जी परफॉर्मेंस है वो पहले नालों की हुई है, इंप्रूव हुई है, कुछ सरप्लस हो या कुछ डेफिशिट हो. इस करके आप करते हैं हमेशा कंपैरेटिव फाइनैशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. जे आप गल करिए कंपैरेटिव फाइनैशियल स्टेटमेंट तो यदा मीनिंग यही भी कोई डिफरेंट फॉरमैट होएगा, कोई डिफरेंट नेम है कंपैरेटिव, इस तरह का कुछ भी नहीं. आप कर रहे हैं जो आप करंट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उस करते हैं लास्ट ईयर में चैकआउट करी जाते हैं. वो लास्ट ईयर की भी की करते हैं वो अटैच कर देंगे, क्यों? क्योंकि अपन की लग जाते अपनी हैल्प हो जाती है. जे अपने कुछ प्रडिक्शन लगाने तो वह ईजली लगा सकते हैं. तो करके आप हमेशा की करते हैं कंपैरेटिव फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर. फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर किस करके करते हैं? तो सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए. सो फस्ट इलस्ट्रेशन देखो अपने को अपन ने की करना है. अपन पता है बैलेंस शीट के आइटम्स पैदा ने, एसैट्स पैदा ने, लाइबिलिटीज पैदा ने. तो आप की करांगे सब तो पहले आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एसैट्स ने, फिर आप नीचे की लिखा उन्होंने लाइबिलिटीज लिखा. बिल्कुल ईजी है, कोई ये वीडी है नहीं, औखी गल है नहीं. सब तो पहले अपने को देखो इक्विटी कैपिटल है. आप इन मैं की कह तुम पहले की पाओगे एसैट्स पाओगे. तो फिक्सड एसैट्स किन्ने देने? 72 लाख रुपीज़ देने 2011 के. तो थोड़ी बुक की होएगी? न्यू होएगी, न्यू एडिशन होएगा. कोई हो सकता है अमाउंट्स के भी चेंज होवे, ईयर के भी चेंज होवे, तो गल सारी सेम ही है. उस तो बाद अपने को है 2010 का प्रॉफिट तो अपन 60 लाख रुपीज़ का. तो की है अपने की क्ढना है? हम देखो अपन चाहिए तो कि 11 की चाहिए है, बट मैं कहा आप लास्ट ईयर के नाल रख के चलते हैं. तो लास्ट ईयर केड़ा हो गया? 2010 हो गया. जिम्मे ला लो आप 2020 है, तो 20 की बैलेंस शीट बना रहे हैं. देखो तो वो पहला की है 19 है, तो आप 20 के नाल 19 की परफॉर्मेंस की कर रहे हैं, चैक कर रहे हैं. फिक्सड एसेट से अपने 10 के किन्ने ने? 60 लाख देने. 11 के किन्ने हो गए? 72. तो किन्ने चेंज हो गए? 12 लाख के. हूँ ये तो अपने को अमाउंट है. जे अपन ये तो चाहिए परसेंटेज, तो आप परसेंटेज कदम भी करंट ईयर तो नहीं मानते. आपे ईयर वो करते होंगे कि बेस मानते होंगे आप. जे एक 60 है तो एक अपने को 70 है, तो आप 2010 की अपना प्रीवियस ईयर है, 11 के करंट है, तो आप कि मना प्रीवियस ईयर. तो 12.60 × 100 इज इक्वल टू 20%. सेम की है इनवैसटमेंट, 10 लाख की है, 10 लाख तो कोई चेंजेस आए तो कोई भी परसेंटेज चेंज इतने नहीं होया, क्योंकि 10 लाख की ही पहला से 10 लाख की ही होना है. नैक्सट अपने को करंट एसेट्स ने 30 to 21 हो गए, मतलब किन्ने हो गए? 9 के हो गए. तो 30 to 21 के हो गए तो किन्ने हो गए? 9 के. तो आप इन 9 पौन कर लवेंगे प्रीवियस ईयर के नाल. तो सिर्फ कुछ नहीं है, तुम दोनों ईयरस लिखने ने, डिफरेंस लिखना है, तो परसेंटेज परसेंटेज बस इन्नी गल माइंड रखने तुम्हें प्रिपेयर करते टाइम भी करंट ईयर में ही कितने अपोन ना कर दौ, लास्ट ईयर में अपने अपोन करना है. बिकॉज इंडैक्सिंग तुम्हें की है स्टैट के चंगी तरह, उत्ते भी तुम्हें की करते प्रीवियस ईयर में बेस मान के 100 करते इंडैक्सिंग सेम ये स्टेटमेंट्स ने. तो ये इलस्ट्रेशन ने इन्हों ट्राई करके देख लो एक दो, क्योंकि इस थोड़ी की हो जाएगी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी. दैन नैक्सट इज़ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. हूँ आप की है बैलेंस शीट, हूँ आप कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि बैलेंस शीट से अपन की दस सकती है पोजिशन दस दूगी भी इन एसेट्स इन्ने देने, लाइबिलिटीज इन्ने देने. बट अपन प्रॉफिटेबिलिटी का कि पता लगेगी इनकम स्टेटमेंट की हेल्प के ना. तो सेल्स के इनक्रीज डिक्रीज होया अपन कि कंपेयर करा लास्ट ईयर कंपेयर करा प्रॉपर वेरीफिकेशन करा. तो एक इसकी इलस्ट्रेशन है, ये भी आप करना है सेम करना है सेल्स माइनस COGS फॉर्मूला. तुम्हें पता है भी जे आप गल करिए COGS की, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये अपना कि फॉर्मूला होंगे है COGS का. जे अपने को अपोजिट हो देखो जिम्मे नैट सेल्स है, नैट सेल्स आ गए हैं 785 दियाँ, रजिस्ट्रेशन फिफ्थ करवा रही हैं. अपने को नैट सेल्स ने 785 दियाँ, ये कॉस्ट लगी है 450, तो इन माइनस करके जिन्ने की आएगी थोड़ी वही सेल होएगी. तो यह कुछ नहीं करना अपने माइनस करके बस यदि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. हुण तुसी की करना है? एक इलस्ट्रेशन का तुसी बैलेंस शीट की
सॉल्व आउट करनी है, तो एक तुसी इनकम स्टेटमेंट की करके देखनी है सॉल्व। कोई भी डाउट होया कि जिन्नी मर्जी इलस्ट्रेशन करो, कोई भी डाउट होया मैंने जो भी तुसी पूछ सकते हो। आज दे लिए पई नहीं कर दिया, नैक्सट क्लास के आप करा ट्रेंड एनालिसिस। थैंक यू।